नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एजुकेशन चैनल के एक और प्रेस वीडियो में, जहां पर अभी हम बात करने वाले हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कितनी सीटें इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी लेकर जाएगी। तो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा ओपिनियन पोल मिलने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़े ओपिनियन पोल, सबसे बड़ा एग्जिट पोल सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही दबाइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और कमेंट में ज़रूर लिखते जाइएगा, आपके हिसाब से अपना ओपिनियन ज़रूर लिखते जाइएगा, ताकि आपके ओपिनियन को अगली बार हमारे वीडियो में सम्मिलित किया जाए, और साथ ही साथ आपको एक नए ओपिनियन के साथ एक नया वीडियो देखने को मिले। इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक का राज्य का सबसे सटीक ओपिनियन बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा को लेकर एक नया ओपिनियन आ चुका है। उस ओपिनियन में कहा जा रहा है कि भाजपा एक बार फिर से, यानी कि मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है हरियाणा में, और रोजगार मुद्दा मनोहर लाल खट्टर काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में लाए हैं, और रोजगार को काफ़ी आगे बढ़ाए हैं, कई ज़्यादा बड़ी बड़ी नौकरियाँ लाए हैं हरियाणा में, और कई बड़े रोजगार लाए हैं। इसी वजह से युवाओं की पहली पसंद मनोहर लाल खट्टर बने हुए हैं, और ज़्यादा रोजगार के कारण ज़्यादा प्रतिशत के साथ वही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, 90 में से कुल 76 सीटें मनोहर लाल खट्टर की पार्टी यानी कि बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है, वहीं मात्र 6 सीटें ही कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रही है, वहीं अन्य को बाकी बची हुई सीटें यानी कि 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें, इस प्रकार से एक नया ओपिनियन पोल देखने को मिला है। अगर बात की जाए इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इन लोग की, तो इस चुनाव महज एक सीट ही दर्ज करने की बात कही जा रही है, वहीं अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवार हरियाणा में 7 सीटों पर जीत अर्जित कर सकते हैं। तो आपको बता दें, 21 अक्टूबर को पहले बहस के तहत हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, और देखेंगे चुनाव के बाद 24 अक्टूबर को कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाएगी। लेकिन उससे पहले सभी आंकड़े आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, जो भी होगा रिजल्ट वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। और 24 अक्टूबर तो मात्र एक फॉर्मेलिटी होगी, एक औपचारिकता के तौर पर आपको बताया जाएगा, उससे पहले ही ओपिनियन व एग्जिट पोल के तहत आपको सारे के सारे आंकड़े देखने को मिल जाएगा। और हमारा चैनल आपको हर समय एक नए ओपिनियन पोल के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएगा। तो अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की भी। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का वापिस मुख्यमंत्री बनना एकदम तय है। और आपको बता दें, महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा 155 सीटों पर अपनी जीत अर्जित कर सकती है। वहीं भाजपा की साथी पार्टी यानी कि शिवसेना 55 सीटें लेकर जा सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस को मात्र 24 सीटें मिलेगी, वहीं एनसीपी को भी महज 25 सीटें ही मिलेगी। यानी कि अगर कांग्रेस प्लस एनसीपी का गठबंधन बात की जाए, तो मात्र और मात्र उन्हें 50 सीटों पर ही देर हो जाएगा। यानी कि भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना की सीटें भी दोनों के गठबंधन से ज़्यादा होगी, वहीं अदर पार्टीज और निर्दलीय उम्मीदवार मिलकर 29 सीटें लेकर जाएंगे। यानी कि कांग्रेस यहां पर सरकार बना ही नहीं सकती है, सरकार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की बनने वाली है। हो सकता है पूर्ण बहुमत के साथ ना बने, तो शिवसेना की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन भाजपा प्लस गठबंधन की सरकार बनना तय है महाराष्ट्र में। और हरियाणा में भी भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है, यानी कि दोनों ही जगह भाजपा की जीत तय है। तो इसी प्रकार से आगे भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।